सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में मैं बतलाने वाला हूँ कि जिन जिन लोगों का जॉइनिंग लेटर मिल गया है रोज़गार मेले में और जिनका अभी भी जॉइनिंग लेटर नहीं मिला है उनको बाई मेल जॉइनिंग लेटर आ रहा है, और जिनका आने में अभी लेट हो रहा है तो वो बिल्कुल चिंता ना करें क्योंकि कुछ ही दिनों में सबका जॉइनिंग लेटर बाई मेल और उसके बाद बाई पोस्ट आ जाएगा। मेरा ऑलरेडी 28 तारीख को रोज़गार मेले के दिन ही शाम को 6 बजे जॉइनिंग लेटर आ गया था। मैं आपको इस वीडियो में बतलाने वाला हूं कि जॉइनिंग लेटर में कौन कौन सी चीज़ें लिखी रहती है आपके जॉइनिंग से रिलेटेड, कि आपको कितने तारीख को जॉइनिंग के लिए जाना है, आपको जॉइनिंग में कितने पैसे लेकर जाना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, पुलिस वेरिफिकेशन और प्रोबेशन ऑफ 2 ईयर्स क्या होता है, प्रोबेशन पीरियड, इसके सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहना, और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारी जानकारी करेक्ट दे सकूं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हेलो गाइस, मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और ये रहा मेरा अपॉइंटमेंट लेटर CRPF का। आप देख सकते हो, मैं आपको एक बार अपॉइंटमेंट लेटर आपको अच्छी तरह से दिखला दे रहा हूं। ऐसे अपॉइंटमेंट लेटर में सारी लगभग 4 पेज होने वाली हैं। इसमें आपका जॉइनिंग से रिलेटेड सारी डेट और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, जॉइनिंग से मैं आपको कितने पैसे लेकर जाने हैं, ये आप देख सकते हो। ये है मेरा अपॉइंटमेंट का डेट और प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है या नहीं करवाना है, कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको जाना है और सर्टिफिकेट ऑफ करेक्टर्स, सारी जानकारी इसमें लिखी हुई है। मैं आपको वही वन बाई वन रीड करके बतलाने वाला हूँ। सो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा अपॉइंटमेंट लेटर CRPF का और इसका ग्रुप सेंटर है दुर्गापुर, और नीचे आप देख सकते हो ये सब्जेक्ट ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल GD इन CRPF। और मेन हम स्टार्ट करते हैं 2 नंबर से पढ़ना, द पे स्केल ऑफ कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी एज पर 7th CPC लाइज इन द पे मेट्रिक्स लेवल 3। ये लेवल 3 का आपको पे मेट्रिक्स मिलेगा 21,700 रुपये। एज ऑन डेट इन एडिशन टू दिस यू विल बी इंटाइटल्ड टू डेयरनेस अलावेंस। आपको 21,700 जो आपको बेसिक मनी है उसके साथ साथ आपको मिलेगा डेयरनेस अलावेंस, राशन मनी, वॉशिंग अलावेंस और अदर अलावेंस आपको मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जब आप अपना ट्रेनिंग ख़त्म करोगे और उसके बाद आपको जब पोस्टिंग भेजी जाएगी तो उसके बाद आपको जो रिस्क अलावेंस वगैरह जो अदर चीज़ें हैं वो आपको बाद में भी दी जाएगी। 3 नंबर है टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट आर एज अंडर, द पोस्ट इज़ कॉम्पिटाइज्ड एंड प्योरली टेम्पोरी बट लाइकली टू कंटिन्यू। ये जो आपको पोस्ट है ये टेम्पोरी है, परमानेंट अभी नहीं मानी जाएगी। ऑन अपॉइंटमेंट ऑन द सेड पोस्ट यू विल बी प्रोबेशन फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। आपको 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा। ऑन सक्सेसफुल कम्प्लीसन ऑफ द पीरियड ऑफ प्रोबेशन यू विल बी कंसिडर्ड फॉर कन्फर्मेशन। जब आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा तभी आपका जो जॉब है ये परमानेंट माना जाएगा। 3 नंबर, योर सर्विसेज आर लाइबल टू बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम बाई द अपॉइंटिंग अथॉरिटी विदाउट असाइनिंग एनी रीजन्स ऑन 1 month's notice ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ 2 ईयर्स इन अकॉर्डेंस विद द सेंट्रल सर्विसेज टेम्पोररी सर्विसेज रूल 1965। आपका जो अब 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पर आप जब रहोगे, अगर आप किसी भी प्रकार का नियम का उल्लंघन करोगे तो आपको 1 month के नोटिस पीरियड के साथ आपको जो उसकी अथॉरिटी है वो आपको जॉब से निकाल सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर, द अपॉइंटमेंट कैरीज विथ इट द लाइबिलिटी टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया आउटसाइड। आपको इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर भी आपका ये जॉब है CRPF का या फिर जो भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का है आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन में इंडियन फोर्सेस जो है वो काम करते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं अदर कंट्रीज़ में जाकर। उसी प्रकार अगर इन फ्यूचर किसी प्रकार की कोई समस्या अगर हो रही है या इंडिया अगर आपको चाहे तो अदर कंट्रीज़ में भी आपको सर्व करने के लिए भेज सकती है। D नंबर, ऑन जॉइनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन यू विल बी गवर्न्ड अंडर CRPF एक्ट 1949 एंड CRPF रूल्स 1955 एंड अदर रिक्रूटमेंट रूल्स नोटिफाइड अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। दिस जॉइनिंग विल बी रिक्लूटेड फ्रॉम डेट ऑफ योर जॉइनिंग इन CRPF। इसमें CRPF के बारे में लिखा हुआ है कि CRPF का संगठन कब हुआ है, CRPF का रेगुलेशन एक्ट, उसी तरह आप जिस डिपार्टमेंट जाओगे वहाँ पे उस डिपार्टमेंट के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई होगी। और यहाँ पे भी बोला गया है कि दिस जॉइनिंग विल बी रेगुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ योर जॉइनिंग इन CRPF। अब जिस तारीख को आप अपने जिस फोर्स में ज्वाइन करते हो उसी तारीख से आपका जो जॉइनिंग है वो माना जाएगा। यू हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन इंस्ट्रक्शंस, जो भी अब रूल्स रेगुलेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपके फौज के
फौज में वो आपको या फिर आपके डिपार्टमेंट में टाइम टू टाइम जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, जो भी रूल्स रेगुलेशन होंगे वो आपको मानना जाएगा। ई नंबर है, यू विल हैव टू अंडर गो बेसिक ट्रेनिंग इन एनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ CRPF एंड योर सर्विसेज इज लाइबल टू बी डिटर्मिनेटेड इफ़ यू डू नॉट सक्सेसफुली कम्प्लीटेड द बेसिक ट्रेनिंग। अगर आप बेसिक ट्रेनिंग कम्प्लीट नहीं करते हो, अगर आप CRPF या अदर भी फोर्सेज के हो, आपको बेसिक पीरियड ट्रेनिंग अगर आप कम्प्लीट नहीं करते हो आपको निकाल दिया जाएगा। इफ़ यू इंटेंड टू रिजाइन फ्रॉम सर्विस बिफोर कम्प्लीसन ऑफ 10 years ऑफ रेगुलर सर्विस यू शैल बी रिक्वायर्ड टू रिफंड टू द गवर्नमेंट टू द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इम्पार्टेड टू यू इन फोर्स आर अ सम ऑफ इक्वल टू 3 months पे एंड अलाउंस रिसीव बाय यू प्रायर टू द डेट ऑफ योर रिजिग्नेशन विच एवर इज हायर। अगर आप बिना 10 years का सर्विस कम्प्लीट किए अगर आप रिजाइन दे रहे हो अपने फोर्स से, तो आपको 3 महीने में जितनी आपकी सैलरी बन रही है इंक्लूडिंग अलावेंस जो कि लगभग 110,000 रुपये हो रहे हैं, इतने आपको गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप रिजाइन मार सकते हो। अगर आप 10 years का सर्विस कंप्लीट कर चुके हो तो आप किसी भी प्रकार का कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। जी, ऑन जॉइनिंग द ऑफर्ड पोस्ट यू मस्ट मीट टू द एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड बी सूटेबल फॉर द पोस्ट इन ऑल रिस्पेक्ट अंडर प्रोविजन ऑफ द रिलेवेंट रिक्वायरमेंट सेल। जो आप जॉइनिंग करोगे, जो आपको पोस्ट दी गई होगी वो पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होना है। अगर आप एलिजिबल नहीं हो, आप किसी भी प्रकार का कुछ गलत करके आप अंदर गए हो, तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। नंबर H, ऑन अपॉइंटमेंट योर कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड फ्रॉम द कंसर्न सिविल अथॉरिटी एंड एडवर्स रिमार्क इफ एनी नोटिस्ड योर सर्विसेज विल बी टर्मिनेटेड विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। आपके अपॉइंटमेंट करने के बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको अच्छी तरह से जांच पड़ताल किया जाएगा। अगर किसी प्रकार भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अगर आपने कोई नकली डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है, तो आपको बिना किसी रीजन से आपको फोर्स से निकाल दिया जाएगा। आई द CRPF हैज़ नो लाइबिलिटी इन केस ऑफ एनी इंजरी इंसिडेंट एक्सीडेंट बिफोर जॉइनिंग इन CRPF। जब भी आप CRPF या फिर किसी और फौज में जा रहे हो, जॉइनिंग से पहले अगर आपको किसी प्रकार कोई इंजरी हो रही है, कोई एक्सीडेंट हो जा रहा है, तो उसका उत्तरदायी जो फोर्स है वो नहीं होगा। जे, ऑथेंटिसिटी ऑफ एजुकेशनल डेट ऑफ बर्थ कार्ड सर्टिफिकेट प्रोड्यूस्ड बाय यू शैल बी वेरीफाइड फ्रॉम द कंसर्न इशूइंग अथॉरिटी। अब जो भी अपना डॉक्यूमेंट्स डेट ऑफ बर्थ या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हो जॉइनिंग के बाद, वो 100% वेरीफाइड और ओरिजिनल होना चाहिए। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी फाउंड और मेल प्रैक्टिस नोटिस्ड एट एनी स्टेज योर सर्विसेज सेल बी लाइबल टू बी टर्मिनेटेड विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। अगर इन सभी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी किसी प्रकार की अगर फर्जी निकल रहे हैं, तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा बिना किसी नोटिस से। यू सेल ऑल्सो बी लाइबल फॉर एक्शन अगेंस्ट यू एज पर लॉ, और नियम के अनुसार आपके ऊपर एक्शन भी किया जा सकता है। कि योर जॉइनिंग इनिशियली फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल GD मेल इज सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशंस इंक्लूडिंग मेडिकल फिटनेस। यानी कि मेडिकल फिटनेस पास करने के बाद ही अगर एलिजिबल हो, तभी आपको पूरी रूप से इसमें जॉइनिंग करने का मौका दिया जाएगा। एल नंबर, यू विल बी इंटाइटल्ड टू पे एंड अलावेंस पेंशन बेनिफिट्स अंडर NCPS न्यू कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। मतलब आपको जो ये पेमेंट किया जाएगा, ये NCPS के अकॉर्डिंग आपको ये पेमेंट किया जाएगा। एज ऑफ नाउ यू हैव टू कंट्रीब्यूट एन अमाउंट इक्वल टू मिनिमम अप 10% ऑफ योर बेसिक पे एंड DA पर मंथ टुवार्ड्स दिस स्कीम NCPS इफेक्टिव फ्रॉम 1/1/2000। यानी कि NCPS के स्कीम के तहत आपका जो बेसिक पे है उसका बेसिक पे प्लस DA का 10% जमा करना पड़ेगा, ठीक है। एम नंबर, यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू एनी रीइंबर्समेंट फॉर एनी एक्सपेंसेस फॉर द जर्नी अंडरटेकन फ्रॉम योर होम टाउन टू प्लेस ऑफ जॉइनिंग द पोस्ट फॉर्मली। जब आप जॉइनिंग के लिए जाओगे, अपने घर से जॉइनिंग तक का जितने भी आपको जो किराया भाड़ा है वो आपको खुद से उसका एक्सपेंस खुद से उठाना पड़ेगा। एन नंबर, इन केस यू डू नॉट रिपोर्ट बाय द स्टिपुलेटेड डेट मेंशनड एट para 4 बिलो, द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मेड टू यू विल बी डीम टू हैव लैप्स्ड ऑटोमेटिकली एंड नो कॉरेस्पॉन्डेंस व्हाटसोएवर ऑन द सब्जेक्ट विल बी इंटरटेंड। जो भी आपका जो जॉइनिंग डेट दिया गया है, अगर आप जॉइनिंग डेट पर नहीं पहुँचते हो, आप अगर जॉइनिंग डेट के बाद पहुँचते हो, तो आपका जॉइनिंग जो है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, रद्द माना जाएगा।
ओ नंबर इन केस ऑफ ओबीसी पर्सनल द अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल एंड इज सब्जेक्ट टू द कम्युनिटी सर्टिफिकेट बींग वेरीफाइड थ्रू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ई वेरीफिकेशन रिवील दैट द क्लेम ऑफ द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी आर नॉट बिलोंगिंग टू द क्रीमी लेयर इज फॉल्स द सर्विसेस शैल बी टर्मिनेटेड forthwith without assigning any reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of Indian Penal Code for production of false OBC certificate, only valid OBC certificate is required. यानी कि जो आपको क्रीमी लेयर का जो ऑप्शन रहता है जब आप OBC सर्टिफिकेट अप्लाई करते हो बनाते हो तो अगर ये आपको फॉल्स अगर आप OBC सर्टिफिकेट फॉल्स बना रहे हो जाली यानी कि डुप्लीकेट बना रहे हो तो आपका जो कैंडिडेचर उसको रद्द कर दिया जाएगा, यही यहाँ पे लिखा हुआ है. पी इन केस यू फाउंड इन एलिजिबल और सप्रेसिंग फैक्ट्स ऑन एनी ग्राउंड एट एनी टाइम बिफोर ड्यूरिंग और आफ्टर सिलेक्शन अपॉइंटमेंट योर कैंडिडेचर सर्विसेज विल बी टर्मिनेटेड विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न. अगर आप धोखाधड़ी से जाली डॉक्यूमेंट्स बनाकर इस जॉब को ले रहे हो तो आपको कभी भी जो ये अपॉइंटमेंट है आपको कैंसिल कर दिया जाएगा बिना किसी रीज़न के का साथ. ठीक है, यानी कि जब आप जॉइनिंग के बाद अगर आप काम भी कर रहे हो, अगर आपने धोखाधड़ी से जाली सर्टिफिकेट बनाकर अगर आप इस जॉब को कर रहे हो तो आपको कभी भी निकाला जा सकता है. क्यू नंबर में यही लिखा गया है कि अगर आपका मेडिकल के बाद जॉइनिंग 1 साल के बाद होता है तो फिर से आपका मेडिकल किया जाएगा CRPF के मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, क्योंकि इसका वैलिडिटी सिर्फ 1 साल के भीतर ही रहता है. अगर 1 साल के भीतर ही आपका मेडिकल और जॉइनिंग हो रहा है तो CRPF के कैंप के अंदर जाने के बाद आपको कोई मेडिकल नहीं किया जाएगा. इफ़ यू एक्सेप्ट द ऑफर अपॉइंटमेंट ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन्ड अबव यू शुड रिपोर्ट फॉर ड्यूटी ऑफ ऑफिस ऑफ द DY इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ग्रुप सेंटर CRPF दुर्गापुर अमरावती वेस्ट बंगाल पिन 7132 14 ऑन बिफोर 26/9/2023 रिपीट हुआ है 26 सितंबर 2023 को ज्वाइनिंग करना है या 26 सितंबर या फिर 26 सितंबर को पहले भी आप ज्वाइनिंग कर सकते हो. आप मेन यहाँ पे देखो कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, यहाँ पे सबमिशन किया हो गया है. जैसे देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द बर्थ एंड डेट रजिस्टर्ड ऑफ गवर्नमेंट मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मेंशनिंग डेट ऑफ बर्थ देयर इन इशूड बाय द रिकॉग्नाइज स्कूल एजुकेशन बोर्ड. अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप लेकर जाए, या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो यानी कि 10th क्लास के जो भी डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया गया हो आप लेकर जा सकते हो. 2 नंबर है मेट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट डिग्री डिप्लोमा मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इज रेस्पेक्टिव ट्रेड्स. आपके पास अगर 10th क्लास 12th क्लास ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा या फिर ITI या अदर टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट तो आप उसको लेकर जाना. 3 नंबर है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज इशूड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इन केस यू बिलोंग टू SC/ST/OBC कैटेगरी क्रीमी नॉर नॉन क्रीमी लेयर विद डोमिसाइल सर्टिफिकेट एच रिलैक्सेशन क्लेम्ड बाय यू इफ एनी. तो आपको कौन कौन सा SC/ST/OBC से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है और उसके साथ साथ आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है सभी ओरिजिनल फॉर्म में. 4 नंबर प्री वेरिफिकेशन फॉर्म इनक्लोज्ड विद दिस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट बी फिल्ड अप प्रॉपरली एंड गॉट अटेस्टेड बाय द अथॉरिटीज एज मेंशन्ड इन द फॉर्म. अगर आपको प्री वेरिफिकेशन जो भी आपको जब जॉइनिंग लेटर आएगा तो उसके साथ साथ कुछ प्री वेरिफिकेशन फॉर्म भी आएंगे तो उनको अच्छी तरह से प्रॉपरली फिलअप करने के बाद जो भी अटेस्टेड जिसके द्वारा दिया गया हो उसे अटेस्टेड करवाने के बाद आपको लेकर जाना है. 5 नंबर है 10 कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ. आपको 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वो भी रिसेंट का लेकर जाना है. 6 नंबर पासबुक एंड चेक बुक ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट ओपन इन एनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच प्रिफेरेबली नियर बाय योर होम इन योर होम इन योर नेम विथ ECS यानी कि ATM चेक बुक. आपको जो भी आपके पास अगर बैंक का पासबुक है अगर वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है तो काफ़ी अच्छी बात है. उसके साथ साथ आपको ATM लेकर जाना है, चेक बुक लेकर जाना है. अगला है असम ऑफ 5,000 rupees फॉर डिपोजिटिंग एज मेस एडवांस इन एडिशन टू सफिशेंट अमाउंट फॉर योर पर्सनल एक्सपेंडिचर. ठीक है, आपको मेस में जब आप खाना खाओगे ट्रेनिंग के दौरान उसके पहले आपको 5,000 रुपये एडवांस में जमा करना पड़ेगा और उसके साथ साथ अपना पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए आप अपने साथ कैश भी लेकर जाना. 8 नंबर है लाइट बेडिंग एंड क्लोथिंग एज पर रिक्वायरमेंट. आप अपने लिए लाइट मतलब कुछ हल्का सा बेडिंग सोने वोने के लिए चादर कंबल वगैरह ले सकते हो. अपने क्लोथिंग के लिए पहनने के लिए कपड़े वगैरह आपका सहूलियत के हिसाब से लेकर जाना. 9 पैन कार्ड एंड आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड. अगर आपके पास पैन कार्ड है आधार कार्ड है वोटर आईडी कार्ड तो उसको भी लेकर जाना है.
10 डिटेल्स पार्टिकुलर्स ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन विद प्रूफ ऑफ एज डेट ऑफ बर्थ फॉर फिलिंग वेरियस नॉमिनेशन फॉर्म डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अगर आप अपना नॉमिनेशन दे रहे हो तो नॉमिनी का प्रूफ ऑफ एज और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या फिर जो भी सर्टिफिकेट है डॉक्यूमेंट्स आपको उनका लेकर जाना है, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर, ठीक है ना। अगर आप पहले काम कर रहे हो तो किसी भी संस्था में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो तो NOC लेकर जाना है या फिर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको उसके साथ लेकर जाना है। 12 सर्टिफिकेट फॉर अवेल्ड रिलैक्सेशन इन हाइट चेस्ट मेजरमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड एरिया स्टेट कैटेगरी इस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। आपको फॉर्मेट भी लेकर जाना है, जैसे एनेक्सर हो गया जो SC ST OBC में SC और ST के लिए जो फॉर्मेट लगता है या फिर OBC के लिए हाइट चेस्ट या एज में वो आपको लेकर जाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनाना है किसी भी गैजेटेड ऑफिसर है किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से आप इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाकर इसमें उनका अटेस्ट करवाकर आप लेकर जा सकते हो। तो ये रहा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए मैंने सारा डिटेल्स आपको देने की कोशिश की है ये वीडियो। सो गाइस ये रहा CRPF का ट्रेनिंग सेंटर जो इंडिया में अलग अलग जगह पे है। एक नंबर पे है RTC CRPF नीमच जो MP में है, RTC CRPF अवली तमिलनाडु, RTC CRPF पेरिंगोम केरला, RTC CRPF हुमहुमा श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, RTC CRPF राजगीर बिहार, RTC CRPF अमेठी UP, RTC CRPF लातूर महाराष्ट्र, RTC CRPF जोधपुर राजस्थान। तो इन 8 जगहों पे CRPF का ट्रेनिंग होने वाला है 2023 में। और ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि जो दुर्गापुर का ग्रुप सेंटर है वहाँ के कैंडिडेट को कहाँ पे ट्रेनिंग भेजा सकता है। सो जैसे भी मुझे पता चलेगा कौन सा जगह पर ट्रेनिंग कन्फर्म होने वाला है मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे दूँगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या अगर आपको हो रही है तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। और मैंने कोशिश किया है इस वीडियो में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मैंने उसी के ऊपर इस वीडियो में बात की है। और आप कमेंट करें किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।